वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, हैशटैग मोबाइल टेक्नोलॉजी पे आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ रियलमी की बड क्यू की अनबॉक्सिंग, और साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ उसकी साउंड क्वालिटी के बारे में और प्राइसिंग के बारे में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। मेरा नाम है अभिषेक वर्मा, आप देख रहे हैं हैशटैग मोबाइल टेक्नोलॉजी। तो चलिए शुरू कर। बट क्यू की अनबॉक्सिंग को, तो जैसा कि आप देख सकते हैं बॉक्स के फ्रंट में लिखा है रियल मी बट क्यू, और ये है हमारी रियल मी बट क्यू। और बॉक्स के साइड में देखा जाए तो हमें मिल जाता है रियल मी का साइन है, वो पीछे कुछ हाईलाइट बातें मिल जाती है जो आपको वीडियो में मैं आगे बता दूंगा। तो करते हैं जल्दी से बॉक्स को अनबॉक्स। तो बॉक्स यहाँ पे नीचे से खुलेगा, ये तो गाइस हमने यहाँ पे बॉक्स को अनबॉक्स कर लिया है। तो हमें यहाँ पे मिल जाती है हमारी रियलमी की बड क्यू। हम इसको निकालते हैं इसके केस में से, तो गाइस ये है हमारी रियलमी की लेटेस्ट रियलमी बड क्यू का केस। तो जल्दी से केस को ओपन करके, तो गाइस मिल जाती है हमको हमारी रियलमी की बड क्यू। तो कुछ इस प्रकार से इसका ग्लॉसी लुक दे रहा है हमको, शाइनिंग वाला लुक है इसकी। ये भी निकाल लेते हैं हम, तो जैसे यहाँ पे मैट फिनिश के साथ में आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे Realme का लोगो भी मिल जाएगा इसके अंदर। मिल जाता है हमको एक्स्ट्रा ईयर टिप मिल जाती है, और साथ ही मिल जाता है हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशंस Realme बड क्यू से जुड़े हुए, और साथ ही मिल जाता है माइक्रो USB केबल जो चार्जिंग के लिए मिले यूज़ में होती है हमारे। हम करते हैं इसके ओवरऑल डिज़ाइन के बारे में, तो बहुत ही यूनिक्स की डिज़ाइन है इसमें। और बात करें केस की तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ मिल जाता है हमें। कुछ केस में ऐसी दिक्कतें आती है कि वो सही से ओपन फिट नहीं हो पाता है, तो इस केस में जो है ओपन फिट नहीं हो, ऑटोमेटिकली ये लग जाता है। और अगर बड क्यू की बात करें तो ये ऑटोमेटिकली इस पर रखने से ही ये मैग्नेटिक तरीके से चिपक जाता है। बात करें इसके फीचर्स के बारे में, अगर मैं बात करूँ Realme बड क्यू के ऑल फीचर्स के बारे में, तो केस से चालू करते हैं। हमें यहाँ पे मिल जाता है चार्जिंग केस 20 आवर बैटरी लाइफ के साथ में। और अगर बात करें बड की बैटरी लाइफ के बारे में, तो 4.5 घंटे की हमें बड की बैटरी लाइफ मिल जाएगी। और साथ ही अगर बात करूँ चिप्स के बारे में, तो इसमें लगी है Realme की लेटेस्ट R1Q चिप्स। मैं बात करता हूँ इसके वेट के बारे में, तो आपको मिल जाता है इसमें अल्ट्रा लाइट बॉडी के साथ में 3.6 ग्राम का वेट मिल जाता है इंस्टेंट कॉन्टैक्ट के साथ में, और 10 mm बेस बूस्ट ड्राइविंग के साथ में। और गेमिंग नॉइस की बात करूँ तो आपको मिल जाता है 119 ms सुपर लो लेंसिटी मिल जाती है, और 20 आवर बैटरी लाइफ ऑलरेडी बचा चुका हूँ मैं आपको। तो यही है कुछ रियलमी बड क्यू की बात। मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो आप इसको बड़े आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको इससे निकालेंगे बाहर, तो Realme बड क्यू का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें क्लिक करते ही आपका बहुत जल्दी से कनेक्ट हो जाएगा। तो जैसा कि आप गाइस देख सकते हैं कनेक्टिंग हो रहा है, तो गाइस ये हो चुका है हमारा ब्लूटूथ कनेक्ट Realme बड क्यू। पे नॉइस टेस्टिंग को Realme बड क्यू की, तो गाइस ये है लेफ्ट हैंड साइड एंड ये है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हम पहले लगा लेते हैं, कनेक्टेड हो चुका है हमारा ब्लूटूथ। तो गाइस अब लगाते हैं हम सॉन्ग नॉइस टेस्ट करने के लिए एंड बेस टेस्ट। Oh,
2000 रुपीज़ अंडर में रेंज में आपको बेस्ट क्वालिटी मिल जाएगी, बेस्ट चार्जिंग सपोर्ट एंड बेस्ट साउंड इस रेंज में आपको मिल रियलमी की बर्ड क्यू अच्छी लगती हो तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और चैनल पे चैनल को बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि हम जो भी वीडियो नई अपलोड करें आप तक के ज़रूर पहुँच जाए। और लाइक कर दो और शेयर कर दो।